हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप यू ऑल आर डूइंग फाइन सो टोडे विल डू आर चैप्टर थर्टीन इट इज़ अ पोएम बर्डी विल यू पेट सो टेल मी वन थिंग इफ़ यू आर आज टू चूज़ बिटवीन कंफर्ट्स एंड फ्रीडम व्हाट वुड यू चूज़ आपको एक तरफ बोला जाएगी आपको बहुत ऐश और आराम की जिंदगी मिलेगी पर आपको एक कमरे में बंद करके रहना रखा जाएगा दुनिया से दूर और दूसरी तरफ आपकी आज़ादी होगी तो आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे

वो अब डायलॉग्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे कन्वर्सेशनल ये पोएम है एक चाइल्ड के डायलॉग्स हैं और फिर एक बर्ड के डायलॉग्स हैं सो लेट स्टार्ट आर पोएम चाइल्ड चाइल्ड बर्डी बर्डी विल यू पेट समर टाइम इज फार अवे येट यू विल हैव सिल्कन क्विल्स एंड अ वेलवेट बेड एंड अ पिलो ऑफ सॉटेन फॉर योर हेड जो बच्ची है यहाँ पर गर्ल है चाइल्ड वो बर्ड को प्यार से बर्ड ही बोल रही है उसे कह रही है कि क्या तुम मेरे पेट बनोगे समर टाइम जो है अभी वो बहुत दूर है तो मैं तुम्हारे लिए सिल्क की रजाई वेलवेट का बेड बनाऊंगी और तुम्हारे सर के नीचे एक जो साटिन होता है उसका पिलो बनाऊंगी तो यहाँ पर जो फैब्रिक यूज़ किए इन्होंने सिल्क वेलवेट एंड साटिन ये बहुत ही सॉफ्ट मटीरियल सॉफ्ट सौफ, सॉफ्ट फैब्रिक होता है ये बहुत ही तो बर्ड को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि मैं तुम्हारे लिए सब करूँगी तुम मेरे पेट बन जाओ अब बर्ड क्या कहती है बर्ड कहते हैं आई वुड रादर स्लीप इन द आई वी वॉल नो रेन कम्स थ्रू डो आई हियर इट फॉल द सन पीप्स गे एट डॉन ऑफ द डे एंड आई सिंग एंड विंग अवे अवे तो कहते हैं कि मैं तुम जो मुझे लालच दे रही हो तुम जो कह रही हो उसकी बजाय मैं अपनी आईवी वॉल आईवी वॉल्स होती है जैसे बेल होती है दीवारों के साथ चढ़ती है तो मैं वहाँ पर अपना घोंसला बनाकर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा मैंने मेरे को पता है कि वहाँ पर बारिश भी नहीं आती है पर मैं बारिश को गिरते हुए सुन सकता हूँ देख सकता हूँ द सन पीप्स गे मतलब पीप्स का मतलब होता है देखना या झाँकना जब सन सुबह निकलता है गे हैप्पीनेस होता है गे एट डॉन ऑफ डे तो जब सुबह होने वाली होती है सुबह सुबह होती है एकदम और सन निकलता है तो ये बहुत खुश करता है मुझे और मैं सिंग करता हूँ उड़ता हूँ और एक पूरा चक्कर लगा कर आता हूँ तो फिर आगे चाइल्ड देखो फिर उसे क्या कह रही है चाइल्ड ओ बर्डी बर्डी विल यू पेट डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट विल स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस पेयर एंड फाइन टू प्लीज दिस पेटी बर्ड ऑफ माइंड फिर उसे लालच दे रही है कि बर्डी बर्डी क्या तुम मेरे पेट बनोगे तो वो बड़े महंगे महंगे डायमंड्स और स्टोन्स हैं जैसे डायमंड है एम्बर है जेट है लालच देती है कि मैं एक स्ट्रिंग में इन एक धागे में ये नेकलेस पिरो कर तुम्हें दूंगी इतना महंगा और मैं अपने बर्थडे जो अपना प्यारा सा बर्ड है उसे मैं बहुत खुश रखूँगी तो ऐसे वो लालच दे रही है तो आगे बर्ड क्या कहता है ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स एंड थैंक्स फॉर जेट कि तुम्हारे डायमंड्स और जेट के लिए थैंक यू थैंक यू पर मैं इनका करूँगा क्या बट योर इज समथिंग डेंटायर येट अ फीदर नेकलेस राउंड एंड राउंड दैट आई वुड नॉट सेल फॉर अ थाउजेंड पाउंड कह रहा है कि मैं क्या करूँगा इन सब चीज़ों का मेरे पास तो बहुत ही प्यारी सी भगवान की दी हुई जो फेदर हैं जो मेरे को विंग्स मिले हुए हैं पंख हैं ये मेरे लिए नेकलेस से भी बढ़कर हैं મેકો કોઈ અગર 1000 પાઉન્ડ ભી દેગા ના તબ ભી મેને સેલ નહીં કરુંગા મે અપની આઝાદી કે સાથ કોઈ કમ્પ્રમાઇઝ નહીં કરુંગા આગે ફિર દેખો ચાઇલ્ડ કે કહે રહા હે ઓ બર્ડી બર્ડી વોન્ટ યુ બેડ ક્યા તુમ મેરે બેડ નહીં બનોગે વોન્ટ મતલબ વિલ નોટ વિલ બાય યોર ડિશ ઓફ સિલ્વર ફ્રિટ અ ગોલ્ડન કપ એન્ડ આઇવરી સીટ એન્ડ કાર્પેટ સોફ્ટ બિનીથ યોર ફીટ વો ફિર ઉસે લાલચ દે રહી હે કે બર્ડી બર્ડી ક્યા તુમ મેરે બેડ નહીં બનોગે मैं तुम्हारे लिए एक डिश डिश मतलब एक प्लेट लेकर आऊँगी सिल्वर की सिल्वर की जैसे धागे होते हैं उनकी बनी हुई एक प्लेट ला कर दूंगी गोल्डन का कप लेकर आएंगे आइवरी होता है जैसे हाथी का दांत हाथी का दांत बहुत महंगा माना जाता है उसकी सीट तुम्हारे लिए बनवाऊँगी और तुम्हारे पैरों के नीचे सॉफ्ट सा कारपेट भी बिछवाऊँगी तो कैसे वो लालच दे रही है लेट्स रीड ऑन नेक्स्ट पेज पेज नंबर सेवेंटी सिक्स पर रीड करते हैं कि अब बर्ड उसे क्या बता रहे हैं क्या आंसर देता so, so, तो है कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल कैन अ सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल अ रॉकिंग ट्विग इज द फाइनेस्ट चेयर एंड द सॉफ्टेस्ट पार्ट्स लाई थ्रू द एयर गुड बाय गुड बाय टू माई लेडी फेयर तो पूछते हैं कि जो मेरे को तो रनिंग वाटर पीने का मेरे जो मैं हमेशा रनिंग वाटर ही पीता हूँ मेरी हैबिट है कि बहता हुआ पानी यानी नदियों का पानी मैं पीता हूँ कहना सिल्वर क्या गोल्ड का जो कप है तो वो पॉसिबल है उसमें तुम रनिंग वाटर मुझे पिला सको कहना सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड हमें को जंगलों में घूमकर खाने पीने का मन है शौक है मैं अपनी आज़ादी से घूमता हूँ तो क्या सिल्वर डिश मेरा वो काम पूरा कर सकती है और रॉकिंग ट्विग ट्विग होता है जैसे डाली होती है पेड़ की ब्रांच बोलते हैं जैसे उसका आगे का छोटा सा हिस्सा होता है शाखा का टहनी जिसे बोलते हैं तो मेरे लिए तो वही सबसे फाइनेस्ट सब दुनिया की सबसे अच्छी चेयर वही है एंड द सॉफ्टेस्ट पार्ट्स थ्रू द एयर जो हवा है वो बहुत हवा से सॉफ्ट क्या होगा एयर से सॉफ्ट क्या होगा तो मेरे लिए तो वही सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है ऐसा कह के वह वहाँ से उड़ जाता है और कहता है गुड बाय गुड बाय टू माई लेडी फेयर की ब्यूटीफुल गर्ल मैं तुम्हें बाय करता हूँ वो उसे गुड बाय गुड बाय करता हुआ वहाँ से चला जाता है तो हम देख सकते हैं कि इस पोएम में बेसिकली क्या बोला है एक बर्ड जो है वो भी अपनी आज़ादी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता टू तो कम्फर्ट की बजाय उसने लिबर्टी फ्रीडम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है राइट सो दिस इज़ अ पोएम बाय डब्ल्यू अलिंगम बर्डी बाइट सो गो थ्रू द पोए थैंक यू सो मच